प्रकाश भैया, आजकल लीग फॉर्मेट टूर्नामेंट्स का दौर चल रहा है, इसमें आप सीएलआर को कहां देखते हैं और किस स्थिति में देखते हैं? मेरे हिसाब से तो सीएलआर को मैं सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप टूर्नामेंट समझता हूं, और आगे शीतल और रघु भाई जैसे कार्य करने वाला मिल गया ना तो और बहुत ऊंचाई तक जा। भैया, सीएलआर में ओनर होना आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है सीएलआर में ओनर, क्योंकि ओनरशिप के लिए भी बहुत कंपटीशन है सीएलआर में, और एक प्रकार से मन को खुशी भी मिलती है ओनरशिप, और खिलाड़ियों में भी पूरा 10% लोग जानते हैं कि एएसएल का ओनर कौन है। सीएलआर से लगातार आप जुड़े हुए हैं, सीएलआर 9 से आप क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये सीजन नया आयाम रचेगा? सीएलआर 9 में एएसएल को विजेता होना है ऐसा करके सोच के रखा हूं मैं, और कोई भी नई टीम विजेता बनना चाहिए क्योंकि जो जो बन चुके हैं तो खैर बन चुके हैं, कोई भी नई टीम बने तो और ज्यादा मजा आएगा। सीएलआर 9 में आपको मैनेजमेंट और इन सब चीजों से क्या उम्मीद है भैया, कमेटी और मैनेजमेंट से? अब इस बार तो इतना ज्यादा उम्मीद है शीतल और रघु से कि ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा मैं इन लोग का काम देखते हुए। इस बार किस तरह की टीम बनाना चाहेंगे और टीम चुनने के लिए क्या प्राथमिकताएं खिलाड़ियों में देखते हैं? इस बार तो मैं पूरा यंग प्लेयर ही ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, एक ही दो सीनियर रहेगा, और जो डिसिप्लिन रहे ना खेल के प्रति वैसे प्लेयर खरीदूंगा। जी, ऐसे कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं भैया? एक तो हो गया हरिहरन, दूसरा सौरभ यदु, सत्यम मिश्रा आज तक मेरी टीम में नहीं रहा है और सौरभ भी नहीं रहा है, हरी भाई तो 2-3 बार रह चुका है, और किशन डहरिया चार हुआ ना। जी जी, और एक मैं खुद। अभी अगर मौका मिला तो कौन से एक ओनर को अपने साथ थर्ड ओनर बनाना चाहेंगे या सेकंड ओनर? अभी आप अकेले ही ओनर है इस पर हिसाब से वापस से पूछ रहा हूँ, नितिन नितिन को रखना चाहता था मैं, लेकिन पहले से वो तो बाबा के साथ है, ऐसे ओनर चाहिए था मेरे को पार्टनर जो मेरा और उसका विचार मिलता जुलता। आप अपने अलावा ऐसी कौन सी टीम है जिसे आप सीएलआर 9 का विजेता देखना चाहते हैं? मेरे अलावा और कोई भी नई टीम जो आज तक नहीं जीता है, नई टीम जीतेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। वे खास सवाल आपके लिए कि अमाना का सुपर लायंस अभी तक आपकी टीम एक भी बार खिताब के दौर में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन क्रिकेट के लिए आपका जो जज्बा है लगातार जो देखने को मिलता है वो बरकरार है, इस बार क्या सपना है आपका सीएलआर विनिंग को लेकर? अपना तो सपना हमेशा रहता है कि विजेता बने जाके, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, जीते जीते मैच को हार जाते हैं हम लोग कहीं कहीं,
कैच मिस मैच मिस इस टाइप का। इस बार तो बहुत से मैच में वैसे हुआ, हम लोग का जीते जीते मैच को हार। क्रिकेट में आपको अपने परिवार से किस प्रकार का सहयोग मिलता है, क्या आपके क्रिकेट प्रेम से आपके घर वाले खुश हैं? मदर फादर थे तब तक तो मैं फ्री होके खेलता था, उसके जाने के बाद अब मेरे को दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि मिसेज भी जॉब वाली है और मैं भी जॉब वाला हूँ, बेटी लोग का शादी हो चुका है तो तीन ही पर्सन है हम लोग, मैं कान्हा और मिसेज, तो इसलिए आज मैं खेलना कम कर दिया हूँ पहले से। क्रिकेट लाइफ का क्रिकेट की जो लाइफ है उसमें आपको क्या अपने काम में भी कुछ फर्क दिखता है या कुछ फायदा होता है? खेलने से बॉडी फिट रहता है और देख ही रहे सामने बैठा हूँ 58 साल के में, तो वही है काम करने में मजा भी आता है ऑफिस में, सवेरे सवेरे मेहनत कर लो तो थकावट नहीं रहता, फ्रेश रहते हैं अपन दिन भर।